निगम प्रशासन का दावा था कि जो 15 जून तक ना छोटे नालों और बड़े नालों की सफाई हो जाएगी, जिससे वार्ड में जलभराव की समस्या नहीं होगी, पर निगम प्रशासन का जो दावा है वो पूरा फैल नज़र होते हुए नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यह जो है अरमान नाला है, जो कि इस पर सफाई तो किया गया है पर सफाई पूरी तरीके से नहीं किया गया है, जिससे अभी भी जलभराव की समस्या होने की पूरी संभावना है। और निगम प्रशासन इस पर जो है डिवाइडर बनाना चाहिए, जिससे जो है यहाँ लोगों को जो जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। वही जो है निगम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे जा रहे हैं। वही हमारे बीच रहवासी मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं कि डिवाइडर की लोग मांग किए कि नहीं और नाले की सफाई अच्छे से किए कि नहीं। नाले की सफाई अभी जो हुई है अच्छे से हुआ है कि नहीं? नाले की सफाई जो है पूर्ण रूप से नहीं हुई है और उसके वजह से अभी भी दिक्कत यह है कि जल भराव हो सकता है आने वाले। इसको लेकर आप लोग पार्षद और निगम को शिकायत किए कि नहीं किए? पार्षद को हमेशा शिकायत किया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोलते हैं पार्षद? पार्षद तो फोन ही नहीं उठाते ना। अच्छा, और निगम प्रशासन? निगम प्रशासन को अभी नहीं बोले हैं, अगर ये होगा तो हम लोग जाएंगे मोहल्ले से साइन करा करके और जा करके महापौर जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि ये स्थिति रहती है, इसकी सफाई ठीक ढंग से कराई जाए, क्योंकि हर साल यहाँ पर ये समस्या बनी रहती है। कितने सालों से जलभराव की समस्या रहती है यहाँ पे? जलभराव समस्या तो शुरू से है, अभी थोड़ा कम हुई है कि एक्सप्रेस वे से नया पुल जो बना है उसकी वजह से थोड़ा से अभी कम हुआ है, लेकिन फिर भी समस्या अभी भी है कि अगर आधा घंटा पानी गिरता है तो रोड में पानी आ जाता है, यहाँ चलना दूभर हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, डर लगे रहता है कि रात बिकाल की स्ट्रीट लाइट गोल रहती है कि यहाँ गिर जाएं कुछ हो जाएं, उसका डर लगे रहता है हमेशा बच्चों का। तो नाले में डिवाइडर बनाने की मांग की है कि नहीं की आप? नहीं, नाले का डिवाइडर की मांग नहीं की है, कम से कम इसकी सफाई अच्छे से हो जाए, गहराई हो जाए, जिससे पानी की निकासी हो जाए। 3 फीट जो पानी ऊपर आता है वो 3 फीट अगर नीचे हो जाए तो पानी रोड में नहीं आएगा। अब तो ऐसा है कि अब तो सफाई, जब बारिश चालू हो गया ना डिवाइडर बन सकता है ना अब सफाई नहीं हो सकता, फिर से जल भराव की समस्या हो गई होगा। जी बिल्कुल। तो फिर आप कैसे करेंगे, समस्या को कैसे सुधार करेंगे? समस्या क्या है, हम लोग को तो झेलते आ रहे हैं 40 साल से, हम लोग झेल ही रहे हैं, जिसको भी बोलो, पार्षद को बोलो, विधायक को बोलो, कोई सुनता ही नहीं था। वही रहवासियों का कहना है कि जो यहाँ पे जो निगम प्रशासन द्वारा और पार्षद द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नाली की सफाई हुई ही नहीं हुआ है? नहीं हुई है ना नाले की सफाई वफाई, पूरी कचरा यहाँ पड़ा है, पूरा नल्ला देखो टूटा फूटा पड़ा है, नल्ला भर जाता है, इतना इतना पानी हम लोग के इसमें आ जाता है, आज ये जो पैर से लाचार होके बैठे यही पानी की वजह से पूरा। इसकी शिकायत आप लोग करते कि नहीं करते पार्षद और निगम से? कर लिए कई बार, करे कोई सुनवाई नहीं होता। क्या बोलते हैं? महापौर झांकने नहीं आया, आज भी नहीं आए, कभी भी ना कोई विधायक आया झांकने, ना कोई महापौर आए झांक। एक समस्याओं से कैसे निवारण पाते हैं आप? क्या करेंगे, रहते हैं जैसा भी पानी बंद होता है फिर वो बह जाता है और कचरा लटके रहता है, फिर हम लोग झाड़ू लेके सब झाड़ते हैं, कोई नहीं करता हमारा, वो झाड़ने वाली बाद में आती जब हम लोग की सफाई हो जाती है। अच्छा जी, तो पर निगम प्रशासन अभी बीच में तो नाले की सफाई किए? नहीं, इधर नहीं आए हैं। इधर नहीं आए? हाँ, इधर का नहीं हुआ है कुछ भी। वही अब आप एक और तस्वीर आपको कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करूँगी, आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइडर नहीं है, जिससे जल भराव की समस्या यहाँ के लगातार भरी रहेगी और जो है ये जो दलदल जैसे जो पूरी जो दलदल पना रहे मच्छर जो है पूरा घर में घुसने का पूरा चांस है, जिससे लोग रहवासी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब देखना ही होगा कि पार्षद और निगम इस पर कड़ी कार्रवाई करती कि नहीं। कैमरामैन अरुण के साथ मैं शेखर धनकर।